बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट ट्रैक्ट। आई शैल कॉल इट नंबर 3 विच इज नेम्ड एज विस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। चूंकि ये डिसेंडिंग है और डिसेंडिंग ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचते हैं, तो इसलिए इसके नाम में स्पाइनल का आना नेचुरल सी बात है। विस्टिबुलो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये विस्टिबुलर अपरेटस के एरिया से आता है। विस्टिबुलो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एक एरिया है मेड्यूला के दोनों तरफ मौजूद है। इनको इनर ईयर से कनेक्शन आते हैं। विस्टिबुलो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इनर ईयर में दो चीजें हैं। एक को हम कहते हैं मैक्यूला और दूसरे को हम कहते हैं क्रिस्टी एम्पोलेरस। ये मैं लिख लेता हूं, मैक्यूला और क्रिस्टी एम्पोलेरिस। मैक्यूला और क्रिस्टी एम्पोलेरिस ये दो स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स इनर ईयर में मौजूद हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट करते हैं विस्टिबुलो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को। विस्टिबुलो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो जगह है जहां से विस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट निकलता है। जब मैक्यूला और क्रिस्टी एम्पोलेरस विस्टिबुलो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है तो वो मैसेज भेजता है थ्रू विस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। और मैक्यूला और क्रिस्टी एम्पोलेरस कहाँ पे है? ये इनर ईयर में है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब इसको दो तरफ से एक्टिवेशन मिलती है। एक एक्टिवेशन वो है जो कि उस कॉम्प्लेक्स से निकलती है जिसका मैंने आपको नाम बता दिया कि वहां से इनर ईयर एक्टिवेट करता है कॉम्प्लेक्स को और फिर ये जो ट्रैक्ट है ये अपना फंक्शन करता है। दूसरा, इसको सेरेबेलम से भी एक्टिवेशन मिलती है क्योंकि सेरेबेलम को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मालूम होती है। तो इसकी एक्टिवेशन दो जगहों से है। विस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट की फंक्शंस क्या है? ये एक्सटेंसर मसल्स को एक्टिवेट करता है। कौन से मसल्स को? एक्सटेंसर मसल्स। एक्सटेंसर मसल्स कौन से एरिया के? अब ये बात इंपॉर्टेंट है। इट एक्टिवेट्स एक्सटेंसर मसल्स। जब हम बात करते हैं कि कौन से एरिया के, तो इसमें फिर दो बातें आती हैं। इनफैक्ट विस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के दो पार्ट्स, एक मीडियली ट्रेवल कर रहा होता है, दूसरा लेटरली ट्रेवल कर रहा होता है। क्लियर?